गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, खुदाफिज, हेलो। मैं उपासना फूड ब्लॉगर आज आप लोगों के सामने आ गई एक केरला स्टाइल रेसिपी लेके, क्योंकि टुडे आई एम मेकिंग अ केरला रेसिपी फ्रॉम केरला। तो आज मैं बनाया केरला स्टाइल अवियल, तो बहुत ही स्वादिष्ट है ये, खाने में हेल्दी भी है। कितनी अच्छे से देखिए बना है, और मैं इसको सर्व भी कर रही हूँ जैसे केरला में सर्व करते हैं अर्दन बोल में। तो चलिए देख लेते हैं कि एक केरला स्टाइल अवियल कैसे बनाते हैं। उपासना मैजिक मोमेंट चैनल, उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर आज आप लोगों के सामने हाजिर हो गई एक केरला स्टाइल केरला का रेसिपी लेके। आज मैं एक मिक्स वेज रेसिपी बनाऊंगी, वो भी केरला स्टाइल में, क्योंकि ये सब्जी का रेसिपी भी है केरला से। मेरा एक फ्रेंड केरला से है, तो उसने मुझे ये रेसिपी सजेस्ट किया है यूट्यूब पे बनाने के लिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ केरला स्टाइल अवियल। तो केरला स्टाइल अवियल बनाना बहुत ही आसान है, और ये सब्जी खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जैसे इतना सारा वेजिटेबल्स रहता है, तो ये रेसिपी का स्वाद हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए देख लेते हैं केरला स्टाइल अवियल कैसे बनाते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले, मेरा एक रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज माई सी माई रेसिपी टिल एंड, फिर आपको रेसिपी पूरा याद आएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो केरला स्टाइल अवियल बनाने के लिए इधर मैंने ले लिया है बहुत सारा वेजिस। तो क्या क्या वेजिस लगा है, पहले तो हमने लिया है कड़ी पत्ता, इसको हम अलग करके रखेंगे। इसके साथ इधर मैंने लिया है फ्रेंच बीन्स, आप चाहे तो लॉन्ग बीन्स भी ले सकते हैं। इधर मैंने ले लिया है थोड़ा सा कद्दू, इधर मैंने ले लिया है थोड़ा सा खीरा और क्यूकम्बर, इधर मैंने ले लिया है थोड़ा सा आलू और पोटैटो, इधर मैंने ले लिया है रॉ बनाना या कांचकोला, इधर मैंने ले लिया है थोड़ा सा कैरेट और गाजर, इधर मैंने ले लिया है थोड़ा सा ड्रमस्टिक। इसके बिना इसके अंदर बहुत सारा वेजिटेबल्स यूज होता है, जैसे थोड़न, एश ग्राउट, एलिफेंट एग, एलिफेंट यम, सब कुछ इसके अंदर यूज कर सकते हैं। पर मेरे पास इतना सारा वेजिस ही था, तो इतना सारा वेजिस से ही मैं आजकल रेसिपी बनाऊंगी। तो ये वेजिस के अलावा इसके अंदर जो लगेगा वो है कुछ मसाला। इसके अंदर मसाला कुछ जाता ही नहीं है, इसके अंदर सिर्फ जाएगा दही। इधर मैंने एक दही के अंदर ग्रीन चिली रखा, आप देख सकते हैं, देखिए। और उसके साथ एक ग्रीन मैंने इधर 200 ग्राम दही लिया है, एक पॉट में नहीं हुआ इसलिए मैंने दो मिट्टी का पॉट में लिया है। देखिए मिट्टी का पॉट में मैंने दही को लिया है, एक के अंदर कड़ी पत्ता रखा है, एक के अंदर रखा है ग्रीन चिली, एक कड़ी पत्ता ग्रीन चिली। इसके अंदर मैंने इधर ले लिया है एक इंच करके अदरक, ले लिया है थोड़ा सा हींग, और लिया है थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स तड़का के लिए। उसके साथ हमें चाहिए थोड़ा सा चना दाल, आप चाहे तो इसके साथ साथ उड़द दाल भी डाल सकते हैं तड़का के लिए। और इधर मैंने ले लिया है फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट। जो मसाला मैं तैयार करूँगी उसके लिए हमें चाहिए कोकोनट, जिंजर, थोड़ा सा दही, करी पत्ता, ग्रीन चिली, और उसके साथ चाहिए थोड़ा सा जीरा। तो चलिए पहले मसाला को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मसाला बनाने के लिए पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही और कड़ी पत्ता एक साथ मिला हुआ, मैं हाथ यूज़ कर रही हूँ, मुझे हाथों से सब कुछ करना अच्छा लगता है। इसके साथ मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ और 100 ग्राम दही, उसके साथ मैंने ले लिया है ग्रीन चिली, देखिए। उसके साथ मैं इधर यूज़ करूँगी अदरक, एक इंच अदरक डाला मैंने। उसके साथ मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी नारियल, इधर मैंने 200 ग्राम बराबर नारियल यूज़ किया, और थोड़ा सा नारियल मैंने रख दिया जब ये रेसिपी तैयार होगा डेकोरेट करने के लिए। तो अब हमें इसके अंदर डालना होगा थोड़ा सा जीरा। देखिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1-2 टीस्पून जीरा। तो मैंने इसके अंदर डाला 200 ग्राम दही, ग्रीन चिली, कड़ी पत्ता,
जीरा, नारियल, और इसके अंदर आप अगर आप चाहे तो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। इससे आपको अलग करके सॉल्ट को ऐड नहीं करना पड़ेगा। सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने, अब मैं इसको ढक्कन देके एक साथ पीस लूँगी। उसके बाद करी की प्रिपरेशन शुरू करूँगी। देखिए इधर मैंने नारियल, दही, जीरा, अदरक, ग्रीन चिली और करी पत्ता पांच चीज़ों को एक साथ मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है, जिससे हम अभी हल्का प्रिपरेशन करेंगे। मैंने स्मूथ पेस्ट बनाया, अगर आप चाहे तो आप स्मूथ पेस्ट ना बना के कोर्सली ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो चलिए आप भेजिस का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो देखिए इधर भेजिस का प्रिपरेशन करने के लिए पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल। मैंने इधर राइस बर्न ऑयल यूज़ कर रही हूँ, पर स्पेशली केरला स्टाइल अभी हल कोकोनट ऑयल से बनता है। कोकोनट ऑयल मतलब जो ऑयल हम माथे पे लगाते हुए वो नहीं, एक एडिबल कोकोनट ऑयल मिलता है। पर इधर बंगाल में इतना कोकोनट ऑयल एडिबल ज़्यादा मिलता नहीं है, हैदराबाद या तमिलनाडु पे या केरला पे ज़्यादा मिलता है। अब मैं इस ऑयल के अंदर तड़का लगाऊंगी। पहले मैं इसके अंदर डालूंगी सूखा लाल मिर्च। तो हमें इसके अंदर तड़का लगाना है, सूखा लाल मिर्च मैंने डाल दिया। उसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे कड़ी पत्ता। देखिए मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया, और कड़ी पत्ता डालने के बाद ही हमें ढक्कन को थोड़ा सा बंद कर देना है, क्योंकि कड़ी पत्ता बहुत छिड़कता है। इसके साथ हम इसके अंदर यूज करेंगे थोड़ा सा हींगुआ, मतलब हींग। देखिए हाफ टी स्पून हींग यूज करूंगी मैं, ज़्यादा नहीं। हींग को डाल दिया, फिर से ढक्कन लगा दिया जैसे एरोमा बाहर ना आ जाए। इसके साथ ही मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी थोड़ा सा राई, क्योंकि विदाउट राई अभी अब तो बनेगी नहीं। डाल दिया थोड़ा सा राई, बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा ऐड करूँगी। इसके साथ ही हम इसके अंदर फिर से डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जैसे जीरा का फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा हाफ टी स्पून जैसे हम इसके अंदर जीरा यूज़ करेंगे। इसको फ्लैटन होने दे, फ्लैटन हो गए जब इसके अंदर पूरा खुशबू आ जाएगा तो हम वेजिस को इसके अंदर डालेंगे। देखिए हमारा जितना फ्लैटन होना था वो हो गया। अब मैं इसके अंदर पहले डालूंगी चना दाल। टेम्परेचर को एकदम लो रखूंगी मैं, और उसके साथ हम इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा चना दाल, क्योंकि चना दाल जब फ्राई होता है तो केरला स्टाइल खाना या साउथ स्टाइल खाना में चना दाल का बहुत ही अजीब सा एक खुशबू आता है, स्वाद आता है। तो पहले हम चना दाल को थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लूँगी। टेम्परेचर को एकदम लो रखूँगी, जैसे चना दाल अच्छे से ब्राउन हो जाए पर ना जले। आप चाहे तो इसके अंदर बंगाली वाला जो ब्यूलिट दाल होता है, मतलब उड़द दाल, उसको भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास आज है नहीं। अच्छा चना दाल तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी घी, क्योंकि अवियल में घी ऐड करना ज़रूरी है। देखिए शुद्ध देसी घी मैंने लिया है, इधर से मैं यूज़ कर रही हूँ ओनली एक टी स्पून, बस ज़्यादा नहीं। घी ऐड करने के बाद एक चीज़ हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, तेज पत्ता मतलब बेल डाल दिया। अब मैं फिर से इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अच्छा, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। टेम्परेचर को एकदम लो रखा है मैंने। अब मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी मैं वेजिस। जैसे पहले मैं डाल रही हूँ बीन्स, मैं एक साथ ही सारे वेजिस डाल रही हूँ। आप चाहे तो कद्दू और आलू को पहले डाल सकते हैं, बीन्स को बाद में डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ड्रमस्टिक, इसके साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कैरेट। सभी मैंने वन हैंडफुल करके लिया है। इसके साथ मैं इसके अंदर डालूँगी रॉ बनाना। आप चाहे तो इसके अंदर फोरन डाल सकते हैं, एलिफेंट यम डाल सकते हैं, एश ग्राउट डाल सकते हैं। इसके अंदर मैं अभी डाल रही हूँ आलू, क्योंकि आलू के बिना तो कोई भी सब्ज़ी में स्वाद आता नहीं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ खीरा। एक्चुअली मैं खीरा को डाल रही हूँ टिंडे के बदले,
तो टिंडा तो बंगाल में मिलता नहीं, इसलिए मैं खीरा डाल रही हूँ। इसके साथ मैं डाल रही हूँ लाल लाल कद्दू। तो सारे वेजिस को मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट। जैसे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मसाला को पेस्ट बनाया है, इसलिए मैं ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी और उसके साथ मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर हम इधर हाफ टी स्पून यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद इसके अंदर और कुछ मसाला ऐड नहीं होगा, ना धनिया, ना जीरा, ना लाल मिर्ची, कुछ भी यूज़ नहीं होगा। केरला स्टाइल अवियल जितना सिंपल तरीके से बनता है उतना अच्छा खाने में होता है। देखिए मैं सब्जी को अच्छे से चला लिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको ढक्कन देना है और इसको अच्छे से पकाना है जब तक वेजिस 50% सॉफ्ट ना हो जाए। तो चलिए इसको पका लेते हैं। देखिए इधर हमारा वेजिस 20% पका है। अब मैं इसके अंदर एक ग्रेट किया हुआ कोकोनट को डाल रही हूँ। इसके बाद मैं पेस्ट को ऐड करूँगी, पर पहले मैं कोकोनट को डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद मैं एक बार स्पैचुला को चला लूँगी, जैसे कोकोनट फ्राई होने का एक खुशबू भी इसके अंदर आए। उसके बाद तो हम ग्रेविस को तैयार करेंगे। देखिए इसको मैं 20% पकने के बाद इसके अंदर ग्रेटेड कोकोनट थोड़ा सा 2 टीस्पून जैसे यूज़ किया, फिर से ढक्कन लगा दिया और सॉफ्ट होने तक वेजिस को पका लेंगे। देखिए इधर हमारा वेजिस तैयार हो गया है। अब दिस इज़ द टाइम टू ऐड दिस कोकोनट एंड कर्ड पेस्ट। थोड़ा सा कोकोनट एंड कर्ड पेस्ट मैंने डाल दिया। इसके अंदर कुछ वाटर ऐड नहीं होगा, माइंड रखना, इसके अंदर कुछ वाटर ऐड नहीं होगा, एकदम ऐसे ही बनेगा। ये कोकोनट और दही का जो ग्रेवी है इसके अंदर ही आप वेजिटेबल आस्ते आस्ते कुक होगा। तो चलिए इसको मैं डाल दिया। अब मैं फिर से इसको कवर लगा दूंगी और पकने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए इधर हमारा अवियल सब्जी जितना फ्राई होना था हो गया। अब ये ग्रेवी के अंदर धीरे धीरे पक रहा है। अब मैं इसके अंदर बाकी जो कड़ी पत्ता है उसको डाल दूँगी। जैसे मुझे कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है, बाकी जो कड़ी पत्ता था उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको फिर से एक बार चला लूँगी। और अब क्या करना है, आप हाई फ्लेम पे एकदम नहीं पकाना है, इसको ऐसे ही लो फ्लेम पे ढक के पकाना है। एक बार करके ढक्कन चेक करना है, उसके बाद देखना है कितना पका है। देखिए 10 मिनट हो गया है। अब चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हमारे अवियल का पोजिशन कैसा है। वाओ, बहुत ही अच्छा एरोमा आ रहा है, सब्जी भी एकदम पक गया है। हमें किंतु अवियल को ढक के ही पकाना है, वरना नारियल और दही का और अदरक का जीरा का जो खुशबू है वो बाहर चला जाएगा। तो एकदम तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इंडक्शन को ऑफ कर दूँगी और उसके बाद इसको 5 मिनट तक रेस्ट करा लूँगी। उसके बाद आपको सर्विंग दिखाऊँगी, वो भी मिट्टी के बोल में, मतलब अर्दन पॉट में। तो चलिए इसको रेस्ट करा लेते हैं। तो देखिए इधर हमारा गर्मा गर्म केरला स्टाइल अवियल एकदम बनके तैयार है। आप थोड़ा का आस्ते से देखिए कितनी अच्छे से अवियल तैयार हो गया है। देखिए एकदम सब्जी पक गया है, उसके साथ नारियल और दही का जो ग्रेवी है अच्छे से सोक कर लिया है ग्रेवी। और मैं इसको सर्व भी कर रही हूँ एकदम अर्दन पॉट में। और ये है पॉट का ढक्कन। तो देखिए हमारा गर्मा गर्म अवियल एकदम बन के तैयार है। अब चलिए इसको ढक्कन लगा देंगे हम और सर्व करने के लिए छोड़ देंगे। उसके पहले एक बार देख लीजिए, इधर हमारा गर्मा गर्म अवियल एकदम बन के तैयार है। आप भी इसको घर पे बनाएं, घर वालों को बना के खिलाएं, घर वालों बहुत खुश हो जाएगा। और मेरा एक रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।